प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान को प्रशासनिक अधिकारी ही पलीता लगाने में लगे हैं। लगभग एक महीने पहले 31 वार्डों में से 15 जगह पर स्वच्छता अभियान के तहत कचरा उठाने के लिए गाड़ियों को लगाया गया था, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया। हालांकि नगर परिषद के ईओ अमन डांडा ने नए टेंडर देने की बात करते हुए जल्द शुरू होने की बात की, लेकिन जो टेंडर पहले हुआ था वो 31 जुलाई को ख़त्म होना था, उसे 15 दिन पहले ही खत्म कर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया गया। इसका जवाब नहीं दे पाए, पता नहीं किन कारणों से इसे बंद किया गया है, कोई बताने को तैयार नहीं। इससे आम लोगों को मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस बारे में जब सिरसा उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने भी इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए कैमरे के आगे बोलने से मना कर दिया। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत शहर में कई वार्डों में कूड़ा उठाने के लिए 15 गाड़ियां लगाई गई थीं और यह सुविधा लोगों को फ्री में दी गई थी। प्राइवेट कूड़ा उठाने वालों की मनमानी के चलते लोगों को जो परेशानी आ रही थी, कहीं ना कहीं उनको इससे राहत मिली थी, तो वहीं सफाई व्यवस्था में भी सुधार दिखाई देने लगा था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के चलते 50 लोगों को खुश करने के लिए पूरे शहर के लाखों लोगों को एक बार फिर से परेशानी में डाल दिया। लोगों की मांग है कि इन्हें पुनः शुरू किया जाए ताकि स्वच्छता अभियान को गति मिले और प्राइवेट कूड़ा उठाने वालों से निजात मिल सके, क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और अनाप शराप पैसों की मांग भी करते हैं। न तो उन पर किसी का कंट्रोल है और न ही कोई नियम कानून, इसी वजह से वे मनमानी करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि कई कई दिनों तक वो कूड़ा नहीं उठाते। ये फायदा था कि वो टाइम पे आके कूड़ा उठा जाती थी, टाइम पे आती थी और हमें आवाज़ देके कूड़ा उठा लेती थी। प्राइवेट वाले कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी तंग करते हैं हमें, टाइम पे नहीं आते। हम गवर्नमेंट की तरफ से, कमेटी की तरफ से शुरू हो जाए दोबारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। जो बढ़िया काम था प्रधान जी की वजह से ये हुआ था शहर में, इससे जो सफाई होती थी, अब जो बंद आ रही इससे फिर गंदगी हो जाएगी। इसीलिए हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से भी दोबारा इसको चालू किया जाए, जो गंदगी का ये है आलम बना हुआ इसको ख़त्म किया जाए। हाँ, वो कई बार होते हैं दारू पीते हैं, जो ऐसे मतलब उनकी परेशानी तो झेलनी पड़ती है ना, वो अपनी मर्जी से कभी आते नहीं, एक दो दिन कभी ये, हाँ एक दो दिन आते हैं, तीन दिन आते हैं, कभी नहीं भी आते। ये बढ़िया था, मतलब लोगों को इसमें रिस्पॉन्स मिला था, फिर अब प्रशासन ने बंद किया, पता नहीं किस वजह से किया है। वहीं कूड़ा उठाने के लिए टेंडर लेने वाले ठेकेदार से जब बात की गई तो उनका कहना था कि पहले जो सिरसा के उपायुक्त प्रभजोत सिंह थे उनके आदेशानुसार इस सुविधा को शुरू किया गया था, लेकिन जैसे ही नए उपायुक्त आए तो उन्होंने गाड़ियों को बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि 15 गाड़ियों को तैयार करवाया गया था जिसमें उनके लाखों रुपए लग गए। अब गाड़ियों को बंद करने से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। सर, मेरा बिजलाल बचार नाम है और डिंगमैन पावर के नाम से अपने नगर परिषद सिरसा का जो ये डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे पास चल रहा था। पहले जैसे पुराने ये रेडे वाले लगे हुए थे जो घर घर से, लेकिन अब जैसे नया ये स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर अपने को दो कंपार्टमेंट में अलग गीला और सूखा अलग अलग घरों से कलेक्ट करना था। तो उस अवधि में हमने आदरणीय प्रभजोत सिंह जो अपने डीसी थे उन्होंने ये कहा था कि गाड़ियाँ लगाओ, रेडे वालों से शहर की सफाई नहीं हो रही, नहीं वो पूरा कूड़ा उठा रहे और सभी घरों से है ना जो अपने 30,000 के करीब हाउस यूनिट हैं उनसे कूड़ा नहीं आ रहा, इसलिए ये गाड़ियाँ शुरू की जाए। तो उनके आदेश पे हमने 20 गाड़ियाँ खरीद ली थी और उसमें से 12 गाड़ियाँ हमने सुचारू रूप से लगा भी दी। तो इस दौरान इनका ट्रांसफ़र हो गया प्रभु सिंह का और अपने नए उपायुक्त का आगे, इन्होंने रेडियो वालों ने ये मांग उठाई भी जी हम बेरोजगार हो गए, तो डीसी साहब ने नगर परिषद को प्रशासन को ये कहा भी गाड़ियाँ आप ना चलाओ और इनको रेडे वालों को लगने दो। तो कब तक था टेंडर आपका? टेंडर हमारा टर्म अभी 31/7 तक है। तो अभी फिलहाल बंद कर, हाँ एक बार ये जैसे डोर टू डोर का जो चैप्टर है वो एक बार गाड़ियाँ है वो हमने खड़ी कर दी है, बंद कर दी है। फिलहाल अभी गाड़ियाँ बंद हैं, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। हाँ अभी गाड़ियाँ सामने जो थी 12 गाड़ियाँ वो खड़ी कर दी, 8 हमारी अभी बॉडी लगनी है तैयार होनी है, वो तो अभी अंडर प्रोसेस है और बाकी अभी तो रेडे वाले ही हैं उनके भरोसे ही है, वो कितना उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल में किसी के हैं नहीं, नहीं वो हमारे इम्प्लाइज हैं, वो तो घरों से अपना जैसे जिन घरों से लेते हैं या मान लो 100, 50, 200 जो लेते हैं वो इंडिपेंडेंट काम है उनका। ट्रायल बेस पे चल रहा था, अभी आगे जो नया कॉन्ट्रैक्ट होना है ना उसमें ये प्रोजेक्ट शामिल होना था। अभी तो हमारे तो एक्स्ट्रा एक नगर परिषद ने खर्चा ही बढ़ाया था भी आप ये शुरू करो, क्योंकि आपके पास मौजूदा वर्क है ये, तो आप ये चैप्टर भी इसमें शुरू करो और आगे जब नया कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा उसमें हम ये चैप्टर डाल के ही टेंडर करेंगे। तो एक और शहर की सफाई के लिए भी अच्छा है,
भी इन गाड़ियों से जो जो घर कूड़ा ये रेडी वाले नहीं उठा रहे थे उन घरों से भी 100% ये डोर टू डोर कलेक्शन होने लगी थी। इस वजह से जो गलियों में कूड़ा या खाली प्लाटों में जो कूड़ा आता था वो अब बंद हो गया और 100% कूड़ा जिन वार्डों में 12 वार्डों में गाड़ियाँ लगी थी वहाँ से सारा का सारा कूड़ा आके और बकरियाँ वाले सीधा जाने लग गया, तो शहर में ऑटोमेटिक सफाई अलग से दिखने लगी थी उन वार्डों में। वार्ड पार्षद तो इसके बहुत वार्ड पार्षदों ने बहुत कोशिश की थी, हर घर में जाके उन्होंने कहा अभी गाड़ी आएगी फ्री है, किसी को पैसा नहीं देना और भी सारे लोग इसमें कूड़ा डालो, खाली प्लाटों में ना डालो, गलियों में ना डालो, तो उससे सफाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और ये बारिश का मौसम है, अब कूड़ा अगर नहीं उठेगा तो लोगों के घरों में कूड़ा जम जाएगा और वो बीमारियाँ फैलेगी इससे बरसात के मौसम में। तो जब इस बारे में नगर परिषद के कार्यकारी प्रधान रणधीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायत उन्हें आती थी कि प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले उनसे बदतमीजी करते हैं, कभी शराब का सेवन करके आते हैं तो कभी कूड़ा उठाते ही नहीं। लोगों की समस्या को देखते हुए गाड़ियों को शुरू किया गया था, यह बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन सिरसा उपायुक्त को किसी द्वारा गलत जानकारी दी गई और उन गाड़ियों को बंद करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर वो सिरसा उपायुक्त को भी मिले हैं। था जी, ये हमने नगर परिषद के एमसीओ के हाउस में पास हुआ था, अभी सभी वार्डों में गाड़ियां लगाई जाएं जिसमें सफाई के लिए थोड़ी सी जैसे प्रॉब्लम आ रही थी पहले, ये जो रेडी वाले थे ना ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आते थे, 4 दिन आते नहीं थे, फिर 2 दिन आ गए 4 दिन नहीं आते थे और लोगों के घरों में ही कूड़ा पड़ा रहता था। और उसके बाद फिर ये सब एमसीओ ने विचार किया भी आपा गाड़ियाँ लगाई जाए और हमने ठेकेदार को कह के 12 गाड़ियाँ तो उसने ले आया था, उस चैसी लगने वाली रह गई हैं और ये 30 तारीख तक थी, 30 जुलाई तक था भी हम सारे वार्डों में गाड़ियाँ लगवा देंगे और 20 वार्ड हमने कवर कर लिए थे गाड़ियों से। और जो डंपिंग पॉइंट थे ना जैसे छोटे छोटे हैं, बस स्टैंड के पास है, वो उधर अपना रानिया चुंगी के पास है और कई जगह थे, तो उनको बंद करने के लिए हमारा ये था भी शहर से ये डंपिंग पॉइंट बंद हो जाए और एक जगह कूड़ा इकट्ठा होकर, हमारी नगर परिषद की ज़मीन पड़ी है वहाँ ऑटो मार्केट की बैक साइड पे, वहाँ पे इकट्ठा करके और इसको वहाँ से ठेकेदार अपने बड़ी लोडरों से बार की बार ही ले जाए बकरियाँ वाली। और एक तो ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक में ये ले जाते हैं दिक्कत आती, रास्ते में गिरता था, और एक उसमें ये बढ़िया काम था भी गिल्ला कूड़ा अलग था सूखा कूड़ा अलग था, दोनों अलग अलग हो जाते थे। इसमें डस्टबिन भी लोगों ने लगा लिए थे। अब जैसे वार्डों सभी वार्डों में हम एमसीओ को कहा, एमसीओ ने अपने अपने वार्ड में सारों को मैसेज दिया भी आप 2 डस्टबिन लगाओ, एक गिल्ला कूड़ा अलग रखो सूखा अलग रखो, उस कारण काफ़ी फर्क पड़ा था। शहर में जैसे खाली प्लाट पड़े थे, लोग पहले जो 50 रुपये नहीं देता था खाली प्लाट लिफाफे में डाल के कूड़ा और खाली प्लाट में फेंक देता था, तो एक तो उसकी बचत हो गई थी। इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं था, ये ठेकेदार ने ही उठाना होता है, हमने रेंट पे दे रखा ठेकेदार का ये काम है, ये कूड़ा उठवाना सारे घर घर से कलेक्शन करनी उसी का काम है, ये हमारा काम नहीं था, ये नगर परिषद में इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं थी। और डीसी साहब को पता नहीं किसने मैसेज दिया है या कैसे उनके दिमाग में आई ये बात, तो हमने कल डीसी साहब से बात भी की थी, डीसी साहब कहते इसके बारे में मैं विचार करके आपको बताऊँगा, तो अब देखो डीसी साहब क्या डिसीजन लेते हैं। तो पार्षदों में भी इस बात का रोष है भी ये नहीं होना, पब्लिक में भी रोष है और ये बढ़िया काम था, इसमें सरसा शहर का साफ सुथरा शहर बना हुआ क्या है। ये हमारे पे कंप्लेंट आती थी पहले भी, जैसे मेरा वार्ड नंबर 4 है और भी कई वार्डों से आती थी भी, वो बदतमीजी भी करते थे और पैसा भी डबल मांगते थे, कईयों से 100 रुपये ले जाते थे, किसी से 70 ले जाते, किसी से 50 ले जाते थे और कई बार दारू पी के भी ये रेडी जलाते थे, जैसे कई अपनी बहू बेटियाँ हैं लेडीज़ हैं उनसे बदतमीजी भी करते थे, ये कंप्लेंट हमारे पास आई भी हैं। पर वही हमने ठेकेदार को कहना था, ये ठेकेदार के आगे काम कर रहे थे, ये नगर परिषद के थ्रू नहीं काम थे, ये सिर्फ ठेकेदारों के थ्रू काम कर रहे थे जो लगे थे, तो उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने उनको यही कहा जो अच्छे आदमी हैं उनको अपनी गाड़ी पे लगा लिया उसने, जो बढ़िया आदमी थे बढ़िया काम करने वाले थे वो गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, कोई फेंक रहा है कूड़ा, तो वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। पता नहीं कुछ कारण होते हैं, कई बार जाए ऊपर से कोई राजनीतिक प्रेशर आया है कि क्या है, डीसी साहब को ये तो नहीं हमें पता, पर ये डीसी साहब इस पर विचार करते थे, कल हम मिले थे डीसी साहब कह रहे हैं हम इस पर विचार करेंगे और ये हमारा देखो सरसा शहर हम साफ सुथरा रखना चाहते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान को लेकर शहर की छोटी सरकार तो गंभीर दिखाई देती है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उसे पलीता लगाने को आतुर दिखाई देते हैं।
प्रशासनिक अधिकारी इस तरह क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। यहां तक कि सिरसा उपायुक्त भी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे पहले सिरसा उपायुक्त रहे प्रभजोत सिंह ने पहल करते हुए लोगों की समस्या को गंभीरता से लिया और एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनके जाते ही इस मुहिम पर अधिकारियों ने पानी फेर दिया। मुहिम को हमने एक युद्ध स्तर पे ट्रायल बेस पे शुरू किया था और बड़ी अच्छी मुहिम थी, लोगों का बड़ा अच्छा साथ मिला, लोगों ने हमारी अपेक्षा से ज़्यादा हमारा साथ दिया और इस ट्रायल बेस स्कीम को अब हम परमानेंट लागू करने जा रहे हैं। 1 तारीख से नए टेंडर में ये कंडीशन डाली गई है कि 1 से 31 वार्डों में इकट्ठी सभी गाड़ियाँ चले और डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन हो और सेग्रीगेशन भी हो। लोग इस टाइम समझ रहे हैं कि बंद कर दी गई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बंद नहीं किया गया है, लोगों से मेरी अपील है, अनुरोध है कि इसको बंद नहीं किया गया है। 1 तारीख से नए टेंडर के साथ हम इसको दोबारा चालू करने जा रहे हैं। इस तरह की स्कीम दूसरे कई शहरों में भी है जिसका परिणाम अच्छे से आ रहा है, तो फिर सिरसा के अधिकारियों को क्या हुआ? क्यों वे 40-50 आदमियों की रोजी रोटी के नाम पर खुश करने के लिए शहर के लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने पर तुले हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।